गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जहां जाने वाला हूं वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा मैं आप लोग के लिए, बिकॉज जो लोग कोलकाता से है अभी ठंडी का मौसम चालू होने वाला है एंड ठंडी के मौसम में सबसे मतलब फैमिली के साथ जो छोटा मोटा टूर होता है ना आउटसाइड ऑफ कोलकाता, तो मैं आज उसी में से कोई एक जगह जाने वाला हूँ एंड आप लोग को दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं जाने वाला हूँ धोने खाली बोल के एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा पिकनिक स्पॉट है, तो मैं आज उसी जगह को आप लोग को दिखाऊंगा एंड आपको कैसे जाना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं अभी टनकुनी टोल प्लाजा में पहुँचने वाला हूँ, बिकॉज ये टोल प्लाजा इस रोड के लिए अहम है। मतलब आपको अगर कोलकाता से बाहर जाना है तो आप इस रूट को पकड़िए एंड टनकुनी टोल प्लाजा क्रॉस करके बहुत इजीली आपको जाना होता है, बिकॉज ये हाई रोड है एंड हाई रोड में रोड एकदम स्मूथ है, इसीलिए मैं इस रोड को प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे ये एक ही सिग्नल और आगे एक सिग्नल होता है, दो सिग्नल है। तो अभी ये रहा टनकुनी टोल प्लाजा। तो आप अगर शॉर्ट ट्रिप पे आना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के बहुत काम का है। शॉर्ट ट्रिप मतलब एक दिन का, एकदम कोलकाता के पास ही है और आपको आने जाने में तकरीबन एक डेढ़ घंटा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आज बहुत दिनों बाद दिल खोल के मजा लेंगे थोड़ा सा राइड का, बिकॉज बहुत दिन बाद इतना अच्छा रोड मुझे मिल रहा है, बिकॉज इस रोड पे ना आना नहीं होता है इसीलिए। एंड चलो अभी थोड़ा सा बाइक चलाते हैं, उसके बाद एंजॉय करते हैं। आप थोड़ा व्यू देखो। मजा लेते हैं बाइक का, बहुत दिन बाद इतना अच्छा स्पीड उठाया 100, बहुत दिन बाद। एक्चुअली क्या है ना, शहर में इतना ट्रैफिक जाम रहता है और जगह जगह पे आपका स्पीड लिमिट रहता है तो नहीं होता है। अभी एक ही जगह है हम लोग के लिए, ये हाईवे NH2 है। ये हाईवे एक्चुअली दुर्गापुर एक्सप्रेसवे से बोला जाता है, काफी खतरनाक सा भी है एंड काफी खूबसूरत भी है। 105 तो आराम से जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे इतना ही काफी है मेरे लिए। और जाने के लिए आप कोई भी गाड़ी चूज कर सकते हो, ज़्यादातर पिकनिक के लिए सिंगूर मालिया बोल के भी एक जगह है, वहाँ पे प्रॉपर पिकनिक स्पॉट है, आप उधर ही जा सकते हो। एंड मैं जहाँ जा रहा हूँ थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है, तो एकदम रोड साइड जा रहा हूँ, तो चलो तो थोड़ा सा हटके है एंड देखते रहो, मैं आपको डिटेल में धीरे धीरे बताऊंगा, बिकॉज अभी तो आया नहीं, आने के बाद तो अच्छा लगेगा बताने में, राइट। इस ब्रिज के आप देख लो यहाँ पे जो जो लिखा है, मैं एक बार आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। बैद्यवाटी जिस तरफ एंड तारकेश्वर उस तरफ, बैद्यवाटी एंड तारकेश्वर इस लेफ्ट साइड पे। तो अगर आपको मालिया बोल के एक जगह है उस जगह पे पिकनिक करना है तो आपको इस रोड को पकड़ना है। तो इस रोड को तकरीबन 10 या 15 मिनट जाने के बाद मालिया बोल के एक जगह आएगा, वहाँ पे प्रॉपर पिकनिक स्पॉट बनाया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ओर से। तो आपको अगर पिकनिक स्पॉट ढूंढना है तो मालिया जा सकते हो, देन मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं पे भी जा सकते हो। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक्चुअली धोनेखाली बोल के एक जगह है, तो धोनेखाली जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ही अच्छा लोकेशन है,
आप लोग देखो एंड एंजॉय करो। तो अभी इधर से पालसिट है 43 किलोमीटर एंड वर्धमान है 64 किलोमीटर। अभी पालसिट के आगे हम लोग लेफ्ट लेंगे, तो चलो देखते रहो। एंड अभी आ रहा है सिंगूर, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है टाटा नैनो के लिए। गूगल के सर्च करो टाटा नैनो, तो सिंगूर के बारे में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। कोलकाता का अगर संडे राइड है ना, तो इस रोड पे आने का है, NH2 पे। मतलब संडे सवेरे इतना राइड होता है ना, मतलब इतना बाइकर्स होता है ना, क्या बताऊं। उस दिन बहुत सारे बाइकर्स आते हैं, तो एंजॉय करते हैं, इस रोड का मजा लेते हैं। इतना अच्छा रोड है, इतना अच्छा स्पीड उठा सकते हो, तो एक ही तो जगह है, और कहाँ है कोलकाता में, ऐसा कुछ नहीं है। जो है अगर अच्छा स्पीड उठाना है तो इस रोड पे उठाना है। अगर ऐसा सिचुएशन में ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मतलब जो सुपर बाइक है उनसे कंप्लीट करने की कोशिश करता है, तो दूसरा बाइक लेके, एक तो हेलमेट नहीं पहनता है, दूसरा कोई प्रॉपर राइडिंग गियर नहीं रहता है, उसके साथ स्पीड लगाता है। तो ऐसा गलत बंद कीजिए। अगर आप लोग उसी में से देख रहे हो, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, तो संभाल के बाइक चलाया कीजिए। एंड कभी भी देखा देखी या जबरदस्ती स्पीड उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुपर बाइक के साथ नॉर्मल बाइक कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता है, ये उन लोग को शायद पता नहीं है जो लोग स्पीड उठाते हैं। मैं क्यों नहीं संडे आता हूँ, ये भी एक क्वेश्चन आता है। एक्चुअली उस दिन बहुत सारा भीड़ रहता है, एंड मुझे नहीं लगता है, मेरे को एक ही दिन छुट्टी मिलता है, तो उस दिन ज़्यादातर घर में ही रह जाता हूँ। एंड उस दिन ना बहुत सारा बाइकर आता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर बाइक चलाता है कुछ बाइकर्स, तो उस वजह से भी एक वजह है कि उनको वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट भी हो चुका है इससे पहले। तो सावधानी से बाइक चलाओ, ओवर स्पीड मत जाओ, एंड प्रॉपर राइडिंग गियर पहन के बाइक चलाओ। और सुपर बाइक जो रुकता है ना, तो ये कैफे पे ज़रूर रुकता है, ज़्यादातर कैफे पे ज़रूर रुकता है। और एक कौन सा गाड़ी है रे भाई, वैसा ओ किया, जो भी हो अभी आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन से, तो कितना ही गंदा होता है, उसके बाद उसे साफ किया जाता है। ज़्यादातर सुपर बाइक इस कैफे में भी रुकता है, उसके बाद आगे जाता है आज़ादीन ढाबा, ये सब उन लोग का एकदम अड्डा है बोल सकते हो। क्रूज कंट्रोल, ये कंट्रोल, वो कंट्रोल, ये सब नहीं होना सही है, तभी आप अच्छे से बाइक चलाना सीखोगे। नहीं तो अभी देखो ना, अगर सब बाइक में ABS आता है, तो अभी के बाइक में अगर ABS आ रहा है ना, तो जो लोग नया सीख रहे हो ना, तो उस हिसाब से ही सीखोगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे हिसाब करना है। तो हम लोग कैसे सीखे, हम लोग बहुत ही दिमाग लगा के आगे वाला कब किधर रुकेगा, उस हिसाब से ब्रेक मारना पड़ता है, तो कुछ उस तरीके से हम लोग सीखे। तो जो भी हो, ABS है या EBD है, बहुत सारा चीज़ है अभी बाइक पे भी आने लगा है, सब कुछ सही है। एंड बहुत अच्छे से सब कुछ ही सही सीखना पड़ता है, धीरे धीरे सीखो, जल्दबाजी मत करो। दिखाई दे रहा है 100 पर किलोमीटर पर आवर, तो इस रोड पे आप 100 किलोमीटर आराम से चला सकते हो। इस रोड पे चलाने के बाद ना एकदम दिल खुश हो जाता है। और मालिया तो हो गया, अभी कहाँ जाना है, धोने खाली। तो ये देख रहे हो, धोने खाली के लिए मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा, तो अब इधर जा सकते हो, एंड सीधा अगर वर्धमान जाना है वो भी जा सकते हो। तो धोने खाली के लिए मैं ऑलरेडी लेफ्ट आ चुका हूँ, तो अभी मैं जो स्पॉट दिखाने वाला हूँ वो ध्यान से देखना। तो इधर से भी आपको बाईपास हुए मिलेगा, उसके बाद आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। ये
अगर राइट ले लोगे तो चुचुड़ा पहुंच जाओगे, अगर लेफ्ट लोगे तो धोनेगाली पहुंच जाओगे। बहुत सारा पिकनिक स्पॉट है, धोनेगाली पे भी है, चुचुड़ा अगर जाओगे उस साइड भी है। यहाँ पे बहुत सारा इलाका है ऐसा डेवलप है जिससे आप आसानी से अपना एक दिन का छुट्टी ट्रिप बोलो पिकनिक बोलो मना सकते हो। रोड में भी ना बहुत मतलब एक अलग सा मज़ा आता है रोड अगर सही हो तो। एक्चुअली ये रोड थोड़ा बहुत तो सही है, मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ, बहुत सही है। तो ये आप देख रहे हो एक ब्रिज है, ठीक है। तो इस ब्रिज के आसपास बहुत सारा ऐसा जगह है, आप इस जगह पे भी पिकनिक्स कर सकते हो। ब्रिज के आसपास ना ये सब जगह पे बहुत सारा पिकनिक स्पॉट है, तो अगर लेफ्ट में भी बहुत सारा जगह है, ये सब जगह पे पिकनिक हो सकता है। तो प्रॉपर पिकनिकल स्पॉट बोल के आपको यही मिलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये पिकनिक स्पॉट। आप आसानी से यूज़ करते हो कर सकते हो एंड जब आप आओगे तब एक बार परमिशन ले लेना, बिकॉज यहाँ पे जो लोग का जगह है वो लोग एक परमिशन दे देता है, उसके बाद आप आसानी से पिकनिक करो एंड मज़ा करो। वही सेम रोड है एंड आप लोग को सीधा जाना है, तो सीधा धोनेगाली स्टेशन आएगा, उसके अगल बगल में बहुत सारा ऐसा जगह है, आप पिकनिक इधर भी कर सकते हो। एंड सबसे पहले आपको परमिशन ज़रूर ले लेना है, बिकॉज जगह के मालिक को एक बार पूछ लेना है एंड काफ़ी अच्छा लगेगा ये सब। मतलब आप अगर मान लीजिए वो जगह पे पिकनिक कर रहे हो या आप इतना अच्छा लोकेशन पे पिकनिक कर रहे हो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और पिकनिक का सामान सब लेके आना एंड ये सब जगह पे पिकनिक बहुत मस्त होता है एंड काफ़ी मज़ा भी होता है। मतलब ये चलो मैं एक काम करता हूँ, पिकनिक के लिए एक रास्ता मुझे मिल गया है, उस रास्ते पे मैं जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। रुको, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको मिल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है ना। तो अब यहाँ पे बहुत सारा जगह है ऐसा पिकनिक करने का, तो ज़रूर पिकनिक कीजिए, अच्छे से रहिए एंड गंदगी मत फैलाइए। बस गंदगी मतलब जो प्लास्टिक है उसे यूज़ करना बंद कीजिए एंड जो आप कचरा कर रहे हो ना उसे वापस लेके कोई भी डस्टबिन में फेंक देना। तो जगह जो है ना, तो अब मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा है, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है। एंड इस सब जगह में आने के लिए आपको बाई कार आ सकते हो, बाइक भी आ सकते हो, काफ़ी अच्छा लोकेशन है, अच्छे से पिकनिक करो एंड आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लोकेशन देख रहे हो काफ़ी अच्छा है ना। तो कुछ इस जगह पे इतना तक आना था एंड आप लोग को दिखाना था कि लोकेशन कैसा है। गांव का इलाका है एंड बहुत ही अच्छा है, बहुत मस्त लग रहा है। एंड देखो यार सच में बहुत बढ़िया है लोकेशन। तो चलो, आप लोग को अगर जगह पसंद आया ज़रूर से लाइक करना एंड शेयर तो ज़रूर करना एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो कुछ फोटोज़ ले लेता हूँ जो मेरे को इंस्टाग्राम में डालना है। तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो तो ज़रूर से फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राइड विद ऑन। एंड फेसबुक पे भी मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ। तो ये देखो बाइक कैसा लग रहा है। तो चलो, तो आज के लिए इतना ही, खुश रहो, हंसते रहो, बाय बाय।